हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो में कंटिन्यू थे, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आज आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक हम लोगों का बनेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग टॉपिक बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो टर्म है, जिस तरह हम लोग अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक रिलेशन बन जाता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एक्स एक्सिस देखते हैं और वाई एक्सिस देखते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रहेगा। एक्स एक्सिस की बात होगी और वाई एक्सिस की बात होगी। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के बारे में जानेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, इसमें लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड ऑन आर्गंड प्लेन। हम लोग को ये नाम ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको आर्गंड प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आर्गंड प्लेन जो हुआ, इसमें वेयर एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गंड प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं और उस आर्गंड प्लेन में एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस जो बनेगा उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग फिगर बनाए तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो एक्स एक्सिस को बोलेंगे रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो एक हम लोगों के पास रियल एक्सिस है और दूसरा इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसको अगर हम लोग ओरिजिन पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों का ऐसा बनेगा कंडीशन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लिखते हैं। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा सीन लिखे एक्स और वाई, तो हम लोग को समझ जानी चाहिए कि जेड की जो वैल्यू है ये x प्लस आई वाई की बात हमसे कर रहा है। अब है और ये क्वाड्रेंट के बेसिस पे स्पेसिफाई होगा, तो हम लोगों को कोई पॉइंट देगा और वह बताना रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं होगा। तो उसको पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पर देख रहे हैं, इस दोनों में हम लोग i नहीं लिखे हैं, रियल पार्ट लिखे हैं और इमेजिनरी पार्ट लिखे हैं। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है आई टू दी पावर फोर कॉमा आई टू दी पावर फाइव, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई टू दी पावर फोर को वन और आई टू दी पावर फाइव को हम लोग आई लिखते हैं। ये मेरा पिछला लेक्चर जो था कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये वन कॉमा है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी मेरे पास है, तो ये और ये इसके जगह पर जो सोल्व करके आया दोनों रियल होनी चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों रियल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर रियल नहीं है, ये एक रियल है, दूसरा आई आ गया इमेजिनरी के लिए। तो इसको हम लोग कट कर देंगे क्योंकि ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है रूट ओवर माइनस वन कॉमा वन है,
इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे तो ये रूट ओवर माइनस वन आई होगी और वन, फिर एक इमेजनरी आ गया, एक रियल है तो ये भी नहीं होगा। को याद हम लोगों को ये रखना है कि कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जब भी होगा तो वे दोनों रियल होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक इमेजनरी एक रियल की कंडीशन है। थर्ड वन क्वेश्चन इज 10 पाई बाई 2 एंड लॉग 2, ये भी हम लोगों का जो है 10 पाई बाई 2 जो है जीरो हो जाएगा और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। फोर नंबर क्वेश्चन रूट ओवर ई आई टू दी पावर 8, ये है तो ये रूट ओवर ई आई टू दी पावर 8 जो बना ये 1 आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को रह सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करने के लिए, पहचानने के लिए इजी टाइप की क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने, मेरे पास एक क्वेश्चन है फिगर फॉर्म्ड, कह रहा है फिगर बनाने के लिए फिगर फॉर्म्ड बाय, कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हम लोगों को 1 + 0i, दूसरी है -1 + 0i, तीसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i और फोर्थ वन इज 25 / 3 + 4i। हम लोगों को ये दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से जो फिगर बनेगा उस फिगर के बारे में बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग देख ले, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये, इसको हम लोग रेशनलाइज कर दूँ 3 - 4i / 3 - 4i, तो ये पॉइंट हम लोगों के लिए 25 3 - 4i / नीचे 25 कैंसिल होगा, तो ये 3 - 4i की बातें हो गई। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एक्सिस बना दिए, x = 1 y = 0, x = 1 y = 0 हम लोगों का ये पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज x = -1 y = 0, x = -1 y = 0 पॉइंट हम लोगों का ये है। नेक्स्ट वन x = 3 y = 4, x = हम लोग 3 लेंगे और y = 4, ये पॉइंट आ जाएगा 3 and 4। नेक्स्ट x = 3 और y = -4, x = 3 और y = -4, तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो 3 - 4, x = 3 y = -4, तो ये पॉइंट हम लोगों का आ गया 3 - 4। अब हम लोग अगर इस पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा, हर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा फिगर बन रहा है। तो इस तरह का अगर ज्वाइन हो तो फिगर ये बन रहा है हम लोगों का। तो इस तरह से जो भी हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर देगा उसकी डायग्राम हम लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसको आगे बढ़ाते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पर आएंगे, प्रॉपर्टीज बनाएंगे टॉपिक। प्रॉपर्टीज में ध्यान देने की बातें हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कंडीशन लेट कर लेते हैं z1 = a + ib एंड z2 = c + id। हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसमें हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिए, एक है हम लोगों के पास z1 = a + ib और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 = c + id। तो इसकी पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, सबसे फर्स्ट कंडीशन आएगा इक्वालिटी की। इक्वालिटी की मतलब है समानता। तो यहाँ पर z1 = z2 हम लोग करेंगे, z1 = z2 करने पर वैल्यू पुट करेंगे a + ib = c + id। यहाँ पर देख रहे हैं a + ib = c + id है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। इक्वल होने के लिए एक साइड जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी रियल पार्ट दूसरे साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल पार्ट के इक्वल होगा,
और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होगा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। इसके लिए इसको यहाँ से ए की वैल्यू सी की वैल्यू के बराबर और बी की वैल्यू डी की वैल्यू के बराबर होना पड़ेगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि जेड वन एंड जेड टू आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर किसी क्वेश्चन में हम लोगों को ए प्लस आई बी ग्रेटर देन सी प्लस आई डी इनइक्वालिटी से रिलेटेड दे रहा है टर्म, तो जनरली जो है इनइक्वालिटी की टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बट ऑल्सो अगर ये क्वेश्चन में देता है ए प्लस आई बी ग्रेटर देन सी प्लस आई डी, तो हम लोग यहाँ पर सोचेंगे b इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो, सोचेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म है इमेजनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, तब हम लोग रियल पार्ट की कंपैरिजन कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट थ्री नंबर इज एडिशन का मीनिंग है ऐड करना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करेंगे जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन की हमारे पास वैल्यू है ए प्लस आई बी एंड जेड टू की वैल्यू है सी प्लस आई डी, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग रियल पार्ट वाले को रियल पार्ट वाले के साथ ऐड करेंगे और इमेजनरी पार्ट वाले को इमेजनरी पार्ट वाले के साथ ऐड करेंगे, तो रियल वाला टर्म इधर एक्स है और इधर सी है, इधर इमेजनरी वाला बी है और इधर का इमेजनरी डी है, तो ये जो टर्म बनेगा a प्लस सी एक साथ होगा और दूसरा i इंटू बी प्लस डी एक साथ होगा, ये वैल्यू है z1 वन प्लस जेड टू की। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर लिखना हम लोग चाहे आर ई जेड वन प्लस जेड टू, मैंने यह है क्या z1 वन प्लस जेड टू की रियल पार्ट क्या होगा, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं z1 वन प्लस जेड टू की जो रियल पार्ट है a प्लस सी की बातें हो रही है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर का जेड वन है इसकी रियल पार्ट ए है, तो हम लोग आर ई जेड वन और प्लस सी के जगह पर लिख सकते हैं आर ई जेड टू। अगेन इमेजनरी अगर हम लोग लिखना चाहे जेड वन प्लस जेड टू की, ये देख रहे हैं बी प्लस डी है, तो बी हम लोगों का जो है इमेजनरी पार्ट है जेड वन की और डी जो है इमेजनरी पार्ट है जेड टू की, तो यहाँ पर हम लोगों की कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल और इमेजनरी की प्रॉपर्टीज भी निकल के आ गया। नेक्स्ट वन इज फोर नंबर सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मीनिंग है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना, जेड वन माइनस जेड टू, तो ये देख रहे हैं ए प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, जिस तरह से हम लोग एडिशन में रियल पार्ट वाले को रियल के साथ किए उसी तरह हम लोगों को सबट्रैक्शन में भी इमेजनरी पार्ट वाले को इमेजनरी के साथ और रियल पार्ट वाले को रियल के साथ माइनस करना है, तो a माइनस सी प्लस आई बी माइनस डी, ए टर्म बनेगा जेड वन माइनस जेड टू। अगर यहाँ पर हम लोग फिर लिखना चाहे हमको आर ई जेड वन माइनस जेड टू चाहिए, तो a माइनस सी है, a है रियल पार्ट जेड वन की, आर ई जेड वन माइनस आर ई जेड टू, फिर इमेजनरी अगर लिखना चाहे आई एम जेड वन जेड टू जेड वन माइनस जेड टू, तो ये बनेगा b इमेजनरी जेड वन माइनस इमेजनरी जेड टू। ये दोनों जो प्रॉपर्टी हम लोगों का एडिशन में आया है और सब्ट्रैक्शन में आया है, ये हम लोगों को एनी हो याद रहनी चाहिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसे दिया रहता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा और उसको प्रूफ करना रहेगा, प्रूफ आर ई जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू आर ई जेड वन माइनस आर ई जेड टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड टू, इसी तरह की क्वेश्चन इस पर भी अरेज होती है और इस पर भी अरेज होती है। लेकिन इस दोनों का जो कैलकुलेशन है अगर हम लोग कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वेक्टर मेथड देखें, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कंसीडर हम लोग कर लेंगे कि हम लोगों का एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है, दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू है। इस फिगर में आप देख रहे हैं ये रियल जेड है
रियल एक्सिस और ये इमेजनरी एक्सिस है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वेक्टर के अकॉर्डिंग ही, जिस तरह वेक्टर में देखते हैं उसी तरह हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक रियल एक Z1 ले लिए और दूसरी Z2, जो हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लिए हुए हैं वही है Z1 और Z2। और वेक्टर में हम लोग एक पढ़ते हैं फ्री वेक्टर, अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को पैरेलली उसी के डायरेक्शन में अगर शिफ्ट करते हैं तो उसको फ्री वेक्टर बोलते हैं। तो ये जो हमारे लोगों के पास है Z2, इसको हम पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो पैरेलली यहाँ पर अगर शिफ्ट करेंगे तो ये इस तरह का हम लोगों का बनेगा। यहाँ से Z2 की जो पोजीशन है उसको हम उठा करके यहाँ पर ला दिए तो ये हमारा बन गया Z2। जब ये Z2 बन गया तो यहाँ पर देख रहे हैं एक Z1 हो गया, दूसरा Z2 हो गया, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा तो रिजल्टेंट हम लोगों का ये बन गया, यही हो गया हम लोगों का Z1 + Z2। तो हम लोग ये कह बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरा टर्म है ये Z2 वेक्टर, तो ये जो फाइनलाइज हम लोगों का पॉइंट मिला ये Z1 + Z2 मिल गया, तो ये हम लोगों का रिजल्टेंट पार्ट हो गया। इसी तरह से अगर इस Z2 को हम लोग नीचे की ओर शिफ्ट कर दूँ निगेटिव डायरेक्शन में तो ये हम लोगों का -Z2 बनेगा, तो फिर ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा, ये नीचे हम लोगों का Z1 - Z2 बनेगा। तो वेक्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात किया जाएगा ये वेक्टर रूल को फॉलो करती है। कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिए, अब हम लोगों का नेक्स्ट वन रुका हुआ है ना, का नेक्स्ट अब होगा मल्टीप्लेक्शन। पॉइंट नंबर हम लोगों का 5 बनेगा, मल्टीप्लेक्शन का इसकी मीनिंग Z1 × Z2 a + ib × c + id। तो ये जो टर्म, जिस तरह हम लोग अलजेब्रा की क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं x और y वाले टर्म को, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हर टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही प्रोसेस यहाँ पर होगी। a से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ac + iad बनेगा, अगर ib से मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये ibc + i² bd बनेगा। हम लोग ये जानते हैं कि i² की वैल्यू -1 है, तो इसके जगह पे -1 रखेंगे तो ये ac - bd रियल पार्ट हो गया। इस दोनों में से आई अगर कॉमन ले ले तो ये ad + bc हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जब कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको x + iy के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लाकर छोड़ेंगे। नेक्स्ट वन 6 नंबर डिवीजन। डिवीजन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड Z1 / Z2, तो ये a + ib / c + id यहाँ पर डिवाइड करने पर ये टर्म बनेगा। बट जनरली जिस तरह हम लोग डिनोमिनेटर का टर्म इरेशनल नहीं रखते हैं, उसी तरह डिनोमिनेटर के टर्म को इमेजिनरी के नंबर से हटाना है, इसलिए इसको हम लोग रेशनलाइज यहाँ पर कर लेंगे। जब रेशनलाइज करेंगे इसमें तो ये c - id / c - id मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म फिर मल्टीप्लाई ऊपर ac + bd + i × bc - ad हो जाएगा, बाय नीचे c² - i² d², बट वैल्यू ऑफ i² = -1, सो दिस इज पॉजिटिव। ac + bd / c² + d² + ibc - ad + c² + d². जब कभी भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको x + iy या a + ib के फॉर्म में ले जाएंगे। अभी जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखे हैं, इस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा।
क्वेश्चन जो हम लोगों के पास बनेगा, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो आपको हम दिखा रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास है, इफ एक्स प्लस आई वाई इंटू वन प्लस टू आई इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। हम लोगों को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए कंडीशन गिवेन है क्वेश्चन में। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट की टर्म है, जेड वन इंटू जेड टू। हम लोग जेड वन इंटू जेड टू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से जेड वन इंटू जेड टू फाइंड आउट करें, x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस आई टू एक्स, y से करेंगे आई वाई प्लस टू आई स्क्वायर वाई, टू प्लस थ्री आई। यहाँ से हम लोग को आई स्क्वायर की वैल्यू जो होगा माइनस वन, तो x माइनस टू वाई प्लस आई इंटू, इसमें से i कॉमन ले लेते हैं, टू एक्स प्लस वाई, टू प्लस थ्री आई। अब हम लोग देख रहे हैं इधर भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, और इधर भी x प्लस आई वाई के फॉर्म है। तो हम लोगों का प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट पॉइंट था इक्वालिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल किए थे। अब इक्वालिटी रियल और पार्ट को रियल के साथ और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ इक्वालिटी करेंगे, x माइनस टू वाई इक्वल टू टू एंड टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री। हम लोगों के पास दो इक्वेशन हो गया, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो y कैंसिल, टू टू जा फोर एक्स प्लस एक्स, फाइव एक्स इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स प्लस टू एट, तो x इक्वल टू एट बाई फाइव। किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो y की वैल्यू आएगा, तो y इक्वल टू जो आ जाएगा हम लोगों को 1 बाई फाइव, कैलकुलेट करने पर इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में है हम लोगों को फाइंड आउट करना, और मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 1 प्लस आई की होल स्क्वायर बाय 1 माइनस आई की होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 1 प्लस आई, फाइंड एक्स वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें देखेंगे, और ये ऊपर वाले टर्म अगर नॉमिनेटर वाले टर्म को सॉल्व करें तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस टू आई, डिनोमिनेटर वाला टर्म 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस टू आई प्लस एक्स प्लस आई वाई, इसको रेशनलाइज करेंगे x माइनस आई वाई, आई वाई इक्वल टू 1 प्लस आई, आई स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस टू ये कैंसिल, टू टू कैंसिल, आई आई कैंसिल, तो यहाँ पर होल सॉल्व करके हम लोगों को मिल गया माइनस वन। और यहाँ पे हम लोगों का x माइनस आई वाई, नीचे है हम लोगों का x a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होगा, बट आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आई। यहाँ से माइनस वन प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आई। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोगों का है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, इक्वेट कर देंगे, माइनस वन प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, एंड माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सोल्व यहाँ से करेंगे हम लोग दोनों दो इक्वे, ये 1 को इधर ले जाए, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहाँ से हम लोगों को
वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू हम लोग को चाहिए पेयर के फॉर्म में, तो यहाँ से एक्स बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी, और यहाँ से y माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका राइट साइड और इसका राइट साइड सेम है, जब दोनों राइट साइड सेम है तो हम लोग इक्वल कर सकते हैं। सो एक्स बाई टू इक्वल टू माइनस वाई, मीनिंग क्या, x इक्वल टू माइनस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। हम लोगों को इस क्वेश्चन में ये करी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकालने के लिए x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग इसमें x के जगह पे जीरो ले लूँ तो y की वैल्यू जीरो मिलेगा, x इक्वल टू जीरो इफ x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू जीरो, इफ x इक्वल टू वन तो y की वैल्यू जो मिलेगा माइनस वन बाई टू मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारी वैल्यू हम लोग इस क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड टाइप की क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर इज थ्री। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है इफ थ्री प्लस टू आई साइन थीटा बाय वन माइनस टू आई साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी, इज प्योरली इमेजनरी, फाइंड थीटा। पिछले लेक्चर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी होगी, उसकी कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। हम यहाँ पर जेड इसको लेट कर लेते हैं, थ्री प्लस टू आई साइन थीटा बाय वन माइनस टू आई साइन थीटा। बट हम लोग ये जानते हैं इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे आई का टर्म है, तो 1 प्लस टू आई साइन थीटा 1 प्लस टू आई साइन थीटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोगों को बोला जा रहा है प्योरली इमेजनरी है, तो हम लोग ये जानते हैं फॉर प्योरली इमेजनरी पुट रियल जेड, पुट आर ई जेड इक्वल टू जीरो। तो हम इसमें डायरेक्ट अब पुट करते हैं आर ई जेड इक्वल टू जीरो। प्योरली रियल वाला पार्ट है उसको हम लोग जीरो करते हैं। अब रियल पार्ट हम लोग को कैसे मिलेगा, तो नीचे तो देख रहे हैं डिनोमिनेटर की टर्म वन माइनस टू आई साइन थीटा और वन प्लस टू आई साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये जो बनेगा ए स्क्वायर वन होगी, माइनस बी स्क्वायर माइनस टू की स्क्वायर फोर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बट आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो पॉजिटिव फोर साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया। बट हम लोगों को नॉमिनेटर की टर्म रियल, रियल मिलेगा कब, इस थ्री को वन से मल्टीप्लाई होगा थ्री, और इस इमेजनरी को इस इमेजनरी से होगा टू टू जा फोर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, ये टर्म आ गया। इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री बाई फोर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री बाई फोर आ चुका है यहाँ से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू की होल स्क्वायर। हम लोग ये जानते हैं कि साइन में 60 डिग्री की वैल्यू विच मीन्स साइन स्क्वायर पाई बाय थ्री साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से जनरल वैल्यू जो चलेगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री आ गया इस क्वेश्चन की आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जेई मेंस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस जो है 16 की क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो क्वेश्चन अरेज हो रहा है ये बेसिक से भी अरेज हो रही है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी से। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन अब होगा सिमिलर वे में क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, और ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस
एक्सप्रेस 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म करना है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में ले जाना है, जो कि हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा, रेशनलाइज हम लोग इसको करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा। नोमिनेटर का टर्म 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा रहेगा, बट डिनोमिनेटर में a माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाएगी, तो 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। इसको 1 माइनस कॉस थीटा बाय, इसको लिखने के लिए 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस आई 2 साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। हम लोगों का ये टर्म x हो गया और ये टर्म y हो गया। x प्लस आई वाई के फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखा गया। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग और सॉल्व करना चाहे तो 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पर भी लिख देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे, आगे बढ़ा देंगे कंटिन्यू। साइन थीटा के जगह पर हाफ एंगल फार्मूला यूज कर लेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डिनोमिनेटर में भी यूज करेंगे और क्वेश्चन को कंटिन्यू कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा, अब जो है ये क्वेश्चन है हम लोगों का गिवेन, लेट माइनस 2 माइनस 1 बाई 3 आई टू द पावर 3 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बाय 27। कह रहा है देन वाई माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन की ऑप्शन मेरे पास है, तो ए नंबर ऑप्शन है इसकी -91, बी नंबर ऑप्शन है -85, सी नंबर ऑप्शन है 85, डी नंबर ऑप्शन है 91। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसमें से जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 × 2 = 6 बनेगा और प्लस वो आई रहेगा बाय 3, माइनस बाहर आ चुका है पावर 3, एक्स प्लस आई वाई बाय 27 माइनस ऊपर ए प्लस बी की होल क्यू है, तो ये बनेगा